टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के काउंसलर्स की तरफ से चंडीगढ़ में हल्ला बोल किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, ये कैंडल मार्च है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो तमाम वर्कर्स हैं, काउंसलर्स हैं, वो आज यहाँ पे निकाल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यूथ के गोल्डी जी, आज इतने कैंडल मार्च कटिया जा रहा है, किवें दा प्रोटेस्ट? बिल्कुल, तुसी देखा पिछे जिवें चंडीगढ़ की बीजेपी इतों प्रशासन है उन्होंने धक्काशाही की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक शरेआम क्लीयर मैसेज दिते कि बिल्कुल 420 हुई है, इनू अगला देश भी आने वाला उसे दे चक्कर च जिहड़ा प्रिजाइडिंग ऑफिसर सी अनिल मसी, असी चाहते हैं कि उसे ते कार्रवाई होवे, अजे तक उसे ते कोई कार्रवाई नहीं करन लग्या लोकल प्रशासन। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कल वर्डिक्ट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कल सुनाया, किस तरीके से देखते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद झाड़ लगाई? देखो, बीजेपी ने तो अपना पूरा हथकंडा अपना लिया था, इन्होंने डेमोक्रेसी का कत्ल किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब है कि यहाँ पे बहुत ऐसा हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, पर हमें सुप्रीम कोर्ट में विश्वास था, उन्होंने एक ये हमें उनसे रिलीफ मिला, सो आगे भी हम इसका देखते हैं क्या। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कैंडल मार्च कर रहे हैं, हम उनसे भी जरूर बात करते हैं। सनी जी, आज कैंडल मार्च कटिया जा रहा है थोड़े वालों, आज प्रोटेस्ट? आज पहला दिन है कैंडल मार्च का, और एक कैंडल मार्च ऐसा पूरे हफ्ता 10 दिन तक हर एक एरिया चलती रहेगी, और एक मैसेज बड़ा क्लियर है कि चंडीगढ़ के लोग इस जिहड़ी मर्डर होया डेमोक्रेसी का, जिहड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा, उस चीज़ तो क्लियर ने कि जो मर्जी हो जाए हर एक लेवल तक एदा, हर एक पार्टी एदा विरोध कर रही है, बेशक वो कांग्रेस है, बेशक आम आदमी पार्टी है, और इदा ही प्रोग्राम चलता रहे। आज बहुत ही दुखी हृदय से कहना पड़ रहा है कि जैसे चंडीगढ़ में 30 तारीख को लोकतंत्र की हत्या खड़ी है, उसके इंसाफ के लिए आज हम सड़कों पर उतरे हैं, और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने कल इलेक्शन के ऊपर टिप्पणी करी है, और मैं विश्वास रखता हूं कि जैसे भी हमारे को अगली डेट मिलेगी तो ये नकली मेयर को कुर्सी से उतारा जाएगा। प्रोटेस्ट इसी तरीके से हर रोज किया जाएगा, कैंडल मार्च में कैंडल मार्च भी होंगे, और जो भूख हड़ताल हमारी लड़ीवार जारी वो वैसी रहेगी। देखो कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है ताकि इनको थोड़ी सी तो शर्म आए, और किसी को हम चाहते हैं सजा दी जाए। तो आपने देखा कि किस तरीके से चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के काउंसलर्स की तरफ से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये जो कैंडल मार्च है ये हर रोज इसी तरीके से चलेगा जब तक कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उनका उन्होंने जरूर जो कहा है कि बहुत अच्छा फैसला दिया गया है, लेकिन ये कैंडल मार्च हर रोज इस तरीके से ही निकाला जाएगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से टीवी 9 के लिए अमनप्रीत कौर।